कहानी स्टार्ट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की, ठीक है ना? अब सुनो, मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है बेटा? पहली बात, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी. मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी. तो जब हम लोग लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं. आफ्टर प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल्स टू मोर वैल्युएबल प्रोडक्ट्स. आफ्टर प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल्स टू मोर वैल्युएबल प्रोडक्ट्स. ठीक है, अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा मार्क के क्वेश्चन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है. सीबीएसई के ब्लूप्रिंट के हिसाब से यहां से ज्यादा मार्क का क्वेश्चन आएगा. सो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि तुम्हें इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आ जाए अगर सेट ए ऐसा ही बन रहा है, तथास्तु टाइप का. अरे बात समझ में, ब्लूप्रिंट जैसा. ठीक है, तो सुनो, पहली चीज क्या है? एग्रीकल्चर. पहला पॉइंट क्या है? एग्रीकल्चर. कैसे? ये एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करता है. एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंस भी रिड्यूस करता है. कैसे? बाय प्रोवाइडिंग जॉब्स इन सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर. तो पहला पॉइंट क्या है? इट मॉडर्नाइजेस एग्रीकल्चर इन द फर्स्ट प्लेस एंड रिड्यूसेस द डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर बाय प्रोवाइडिंग जॉब्स इन सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर. दूसरी चीज, अनएम्प्लॉयमेंट हटाएगा, गरीबी हटाएगा, रीजनल डिस्पैरिटी हटाएगा. तीन चीजें हटाएगा. कौन सी? अनएम्प्लॉयमेंट, पावर्टी और रीजनल डिस्पैरिटी. डिस्पैरिटी का मतलब होता है इनइक्वालिटी. कोई रीजन बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, कोई रीजन बहुत कम डेवलप्ड है. तो इस चीज को ये क्या करता है? खत्म करता है. तो इट हेल्प्स इन एरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, पावर्टी एंड ब्रिंगिंग डाउन रीजनल डिस्पैरिटीज इन ट्राइबल एंड बैकवर्ड एरियाज. थर्ड, export of manufactured goods. Export of manufactured good expands trade and commerce and brings foreign exchange. Fourth, countries that transform their raw material into finished goods of higher value are prosperous. तो पहला पॉइंट हमने एग्रीकल्चर का पढ़ा. दूसरा पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा, ये तीन चीजें कम करता है, पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और रीजनल डिस्पैरिटीज. तीसरा बोला, अगर हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे मैन्युफैक्चर गुड्स को तो हमारा ट्रेड और कॉमर्स एक्सपांड होगा, इससे हम लोग फॉरेन एक्सचेंज और करेंगे. और फोर्थ क्या, वो कंट्रीज जो अपने रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट्स में क्या करती है? कन्वर्ट करती है, वो ज्यादा प्रॉस्पेरस होती है. एनएमसीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटेटिवनेस काउंसिल. ठीक है, एक इंडस्ट्रियल लोकेशन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? तो हमने बोला देखो, पहले होते हैं प्राइमरी फैक्टर्स. प्राइमरी फैक्टर्स कौन से होते हैं? रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर, मार्केट. रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर, मार्केट एट लोअर कॉस्ट. रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर. पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर. मार्केट एट लो कॉस्ट. इसके अलावा दूसरे फैक्टर्स रहते हैं बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, कंसल्टेंट्स और फाइनल फाइनेंशियल एडवाइस. एग्लोमरेशन इकोनॉमी वन मार्कर्स और टू मार्कर्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है. जैसे ही एक इंडस्ट्री स्टार्ट होती है तो उसको फॉलो करता है अर्बनाइजेशन. जैसे ही इंडस्ट्री स्टार्ट होती है तो उसको कौन फॉलो करता है? अर्बनाइजेशन. बहुत सारी इंडस्ट्रीज एक साथ, दे कम टूगेदर टू मेक यूज ऑफ एडवांटेजेस, टू मेक यूज ऑफ एडवांटेजेस ऑफर्ड बाय द अर्बन सेंटर्स. एडवांटेजेस ऑफर्ड बाय द अर्बन सेंटर. तो पहला बोला, आफ्टर एन इंडस्ट्री स्टार्ट urbanization follows. Many industries come together to make use of the advantages offered by the urban centers. Such economies are known as agglomeration economies. Is that clear? Classification of industries देखो, पहला है एग्रो बेस, दूसरा है मिनरल बेस. एग्रो बेस का रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? एग्रीकल्चर से आएगा, वूलन, जूट, रबर, शुगर. मिनरल का रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? मिनरल जैसे कि आयरन एंड स्टील, एल्यूमिनियम, पेट्रोकेमिकल, सीमेंट. ठीक है, नेक्स्ट, बेसिक इंडस्ट्रीज और कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री. बेसिक मतलब जो दूसरी इंडस्ट्री के लिए फीडर इंडस्ट्री होती है. जैसे कि अभी इसने बोला, एंजल ने, आयरन एंड स्टील. तो आयरन एंड स्टील से आप क्या कर सकते हो? यूटेंसिल्स बना सकते हो, सर्जिकल इक्विपमेंट्स बना सकते हो, मशीनरी बना सकते हो, व्हीकल्स बना सकते हो या व्हीकल्स के पार्ट्स बना सकते हो, इसलिए वो बेसिक है. सिमिलरली एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ये सारे रॉ मटेरियल, इन सारे इंडस्ट्रीज के जो फिनिश प्रोडक्ट्स होते हैं वो दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए क्या होते हैं? रॉ मटेरियल होते हैं.
कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री शक्कर डायरेक्ट खाते हो, टूथपेस्ट डायरेक्ट यूज करते हो, तो जो डायरेक्टली कंज्यूमर्स यूज करते हैं वो क्या होता है, कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री होता है, ठीक है ना। फिर आता है क्या स्केल ऑफ बिजनेस पे, या तो स्मॉल स्केल होगी जहां पे इन्वेस्टमेंट कितना होगा लेस देन 1 करोड़, और लार्ज स्केल में क्या होगा मोर देन 1 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट ओनरशिप के बेसिस पे चार इंडस्ट्री होती है, पब्लिक ओन एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज जैसे कि भेल और सेल, दैट इज भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। प्राइवेट कौन सी होती है, जो इंडिविजुअल्स कंट्रोल करते हैं या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जैसे कि टिस्को बजाज डाबर। इसके बाद होती है तो तीसरी कौन सी, जॉइंट सेक्टर, जो कौन रन करता है, स्टेट और इंडिविजुअल्स दोनों मिलकर, मतलब गवर्नमेंट और इंडिविजुअल्स दोनों मिलकर कंट्रोल करते हैं, जैसे कि ऑयल, ऑयल इज ऑयल इंडिया लिमिटेड। फिर होता है कोऑपरेटिव सेक्टर, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय अ ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, या फिर बोथ, ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर्स, ग्रुप्स ऑफ सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल, या फिर वर्कर्स, या फिर सब मिलके करते हैं। दे पूल द रिसोर्सेस एंड शेयर द प्रॉफिट्स, ये अपने सारे रिसोर्सेस को क्या करते हैं, पूल करते हैं, थोड़ा आप दो थोड़ा दो, थोड़ा 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 सब देते और सब क्या करते हैं प्रॉफिट्स और लॉसेस अकॉर्डिंगली शेयर करते हैं, एग्जाम्पल अमूल या फिर शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र। आयरन हैवी इंडस्ट्री कौन सी होती है, आयरन एंड स्टील, जिनका रॉ मटेरियल या फिनिश प्रोडक्ट हैवी होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे हैवी इंडस्ट्री, जिनका रॉ मटेरियल या फिनिश प्रोडक्ट लाइट होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे लाइट इंडस्ट्री, ठीक है। अब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में सबसे पहला है तुम्हारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सुनो टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट क्यों है, एग्जाम में आता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को 14% कंट्रीब्यूट करती है, एम्प्लॉयमेंट देती है 35 मिलियन लोगों को, ठीक है। ये फॉरेन एक्सचेंज कितना अर्न करके देती है 24.6%, और इसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है 4%, इज दैट क्लियर। एल्यूमिनियम मेल्टिंग, एल्यूमिनियम हमारे यहाँ का सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटल है इन द फर्स्ट प्लेस। प्रॉपर्टीज क्या क्या है, लाइट है, resistant to corrosion, good conductor, malleable, become strong when mixed with other metal, मतलब जितनी metals की properties है सारी है except for weight, normally metals heavy होते हैं, aluminium कैसा है light, बाकी resistant to corrosion, good conductor of electricity, malleable, becomes hard when mixed with other metals, कहाँ कहाँ use होता है हर चीज में, कहाँ कहाँ यूज होता है हर चीज में, एयरक्राफ्ट बनाना है, यूटेंसिल्स बनाना है, वायर बनाना है, सब चीज में कौन काम आएगा एल्यूमिनियम काम आएगा, ठीक है ना। हमारे यहाँ 8 एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स हैं, हमारे यहाँ कितने एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स हैं 8, दो है ओडिशा में नालको और बालको, नेशनल एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन, भारत एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन, केरला, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, यूपी और महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, यूपी और महाराष्ट्र, ठीक है। इसका रॉ मटेरियल कौन सा है बॉक्साइट, इसका रॉ मटेरियल कौन सा है बॉक्साइट, क्योंकि इसका रॉ मटेरियल हैवी है, क्योंकि इसका रॉ मटेरियल हैवी है इसलिए इसको हैवी इंडस्ट्री में कंसिडर किया जाता है। इसका लोकेशन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और अ शॉर्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एट मिनिमम कॉस्ट, इज दैट क्लियर। समर्थ और समीर केमिकल इंडस्ट्री कितना कंट्रीब्यूट करती है 3% ऑफ जीडीपी, थर्ड लार्जेस्ट एशिया में, 12th लार्जेस्ट वर्ल्ड में। हम लोग इनऑर्गेनिक केमिकल्स भी बनाते हैं और ऑर्गेनिक केमिकल्स भी बनाते हैं। इनऑर्गेनिक केमिकल्स में कौन आता है, सबसे पहला सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के यूजेस क्या क्या है, फर्टिलाइजर्स, सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक्स, एडेसिव पेंट्स, डाइज एंड स्टफ, ठीक है। और नाइट्रिक एसिड, अल्कलीज और सोडा एश और कॉस्टिक सोडा, ये सोडा सोडा वाले जो है ये किस काम आते हैं, ग्लास बनाने में, सोप बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में और पेपर बनाने में। ये तो किसकी कहानी हुई हमारी, इनऑर्गेनिक केमिकल्स की। अब कहे पे आते हैं ऑर्गेनिक केमिकल्स, ये होते हैं पेट्रोकेमिकल्स, ये कहाँ कहाँ काम आते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स, रबर,
प्लास्टिक डाइज ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल केमिकल इंडस्ट्री इज इट्स ओन लार्जेस्ट कंज्यूमर एक्सप्लेन ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो इसमें लिखना कि जो एक इंडस्ट्री का आउटपुट होता है वो दूसरी इंडस्ट्री का क्या होता है इनपुट होता है इसलिए एक केमिकल इंडस्ट्री जैसे कि अगर हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिकल्स बनाए तो इसको कौन इससे क्या बन जाएगा रबर बन जाएगा रबर अगेन क्या है केमिकल इंडस्ट्री का पार्ट प्लास्टिक अगेन क्या है केमिकल इंडस्ट्री का पार्ट डाइज एंड स्टफ भी क्या है केमिकल इंडस्ट्री का पार्ट तो बेसिकली जो भी केमिकल इंडस्ट्री होती है वो खुद ही को मतलब यहाँ पे बी टू बी बिजनेस टू बिजनेस बहुत सारा बिजनेस होता है इसलिए केमिकल इंडस्ट्री इज इट्स ओन लार्जेस्ट कंज्यूमर इज दैट क्लियर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इंडिया में नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस होते हैं जैसे कि यूरिया का इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इसके अलावा फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स भी प्रोड्यूस होते हैं अमोनियम फॉस्फेट का एग्जाम्पल देके रखा है डीएपी डीएपी का फुल फॉर्म होता है डाई अमोनियम फॉस्फेट और हमारे यहाँ कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स भी बनते हैं जैसे कि एनपीए नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटैश जहां पर पोटैश हमारे यहाँ नहीं बनता तो हम लोग क्या करते हैं इसको इम्पोर्ट करते हैं ठीक है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में हमारे पास 10 पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री अंडरटेकिंग है यानी कि गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है एक कोऑपरेटिव सेक्टर है कौन सी हजीरा इन गुजरात जिसका नाम क्या है एफसीआई फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसके अलावा फर्टिलाइजर इंडस्ट्री कहाँ सिचुएटेड है तमिलनाडु यूपी पंजाब एमपी महाराष्ट्र एक्सेट्रा इज दैट क्लियर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री किस काम आती है क्विक ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज और पैसेंजर्स लिबरलाइजेशन के बाद हमारे यहाँ हर गाड़ियों के क्या आए बहुत सारे न्यू और कंटेम्प्रेरी मॉडल्स आए हैं जिससे डिमांड फॉर व्हीकल्स क्या हो गई है बढ़ गई है डिमांड बढ़ गई है तो मार्केट भी बढ़ गया और ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है ठीक है एफडीआई मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ना और ये टेक्नोलॉजी जो एफडीआई हुआ है उसके साथ हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्या आई है बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजी आई है जिससे ये इंडस्ट्री इंडियन लेवल पे क्या हो गई है ग्लोबल लेवल के साथ कॉम्पीट कर रही है इसके सेंटर्स कौन कौन से दिल्ली मुंबई और गुड़गांव ठीक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी इंपॉर्टेंस भी पूछी जाती है तो क्या लिखना है बैंगलोर हमारे यहाँ का इकोनॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल है दूसरे सेंटर्स है मुंबई दिल्ली है ना हमारे यहाँ 18 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है जो सिंगल विंडो सर्विस देते हैं और हाई डेटा कम्युनिकेशन सिंगल विंडो सर्विस हाई डेटा कम्युनिकेशन फैसिलिटी टू सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट ठीक है एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंडस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने बहुत सारे लोगों को क्या दिया है एम्प्लॉयमेंट दिया है ओवर डिफरेंट ईयर्स और ओवर द ईयर्स यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट क्या होता जा रहा है बढ़ता जा रहा है इसमें जो 30% वर्कफोर्स है वो कौन किसकी है विमेन की है ना और इसका एम्प्लॉयमेंट 8-fold तक बढ़ गया है 3-4 सालों में ये बहुत बड़ा फॉरेन एक्सचेंज अर्नर है ठीक है और ये हमारे जीडीपी को क्या कर रहा है बहुत कंट्रीब्यूट कर रहा है और ग्रुप बीपीओ और केपीओ की वजह से यानी कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग की वजह से ये इंडस्ट्री और भी फास्ट डेवलप हो रही है ठीक है कमिंग टू इंडस्ट्रियल पोल्यूशन इंडस्ट्रियल पोल्यूशन में क्या करना है ठीक है सबसे पहले देखोगे क्या एयर पोल्यूशन किस वजह से होता है इनडिजायरेबल गैसेस जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड ठीक है ना और डस्ट स्प्रे मिस्ट और स्मोक की वजह से होता है ये सारी चीजें कहाँ से आती है हमारे पास केमिकल इंडस्ट्रीज से आती है पेपर फैक्ट्रीज से आती है ब्रिक किल्न से आती है रिफाइनरीज से आती है स्मेल्टिंग बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आ रही है बात समझ में ठीक है फिर आता है वाटर पोल्यूशन तो वाटर पोल्यूशन कौन होता है पेपर इंडस्ट्री पल्प इंडस्ट्री केमिकल इंडस्ट्री टेक्सटाइल इंडस्ट्री ड्राइंग पेट्रोलियम रिफाइनरीज ये सारी इंडस्ट्रीज होती है ये पानी में क्या रिलीज करती है लेड मर्क्यूरी पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स ठीक है जिससे क्या होती है फिशेज मर जाती है और सॉलिड वेस्ट अगर एग्जाम में पूछते तो फ्लाई एश फॉस्फोजिप्सम आयरन एंड स्टील का स्लैग
थर्मल पॉल्यूशन मतलब ठंडा पानी की जगह हम लोग रिवर्स में क्या रिलीज करते हैं, गर्म पानी रिलीज करते हैं उसको ठंडा किए बिना, जिससे एक्वेटिक लाइफ क्या होती है, बहुत हार्म होती है। इसके अलावा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है उनकी वजह से भी क्या होता है, बहुत सारा पॉल्यूशन होता है, जिससे क्या होता है, कैंसर हो सकते हैं, बर्थ डिफेक्ट आ सकते हैं, मिसकैरेजेस हो सकते हैं। नॉइज पॉल्यूशन जो है इससे क्या क्या परेशानी होगी, लोग इरिटेट होने लग गए, लोगों को गुस्सा आने लग गया है, देख ही रहे हो तुम मुझे, हियरिंग इम्पेयरमेंट, ठीक है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। और ये सारी चीजें किसकी वजह से होती है, कंस्ट्रक्शन की वजह से, मशीनरी की वजह से, जनरेटर्स के थ्रू वजह से, इन सारी चीजों की वजह से होती है। अब एनवायरमेंट को आपको क्या करना है, हाँ तो हम लोग को क्या करना है, वाटर को रीयूज करो, रिसाइकल करो, रेन वाटर को हार्वेस्ट करो, हॉट वाटर को पानी में डालने के पहले उसको क्या करो, ट्रीट करो, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस को पानी में डालने के पहले उसको क्या कर लो, ट्रीट कर लो। तीन तरह का ट्रीटमेंट होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट, स्क्रीनिंग, ग्राइंडिंग, फ्लॉक्यूलेशन और सेडिमेंटेशन, सेकेंडरी बायोलॉजिकल प्रोसेस और टर्शरी बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेसेस। पानी भी बहुत कम होता जा रहा है तो हमको पानी को भी क्या करना है, बचाना है, ठीक है ना। स्मोक को एयर से कम करना है विद इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, फैब्रिक फिल्टर्स, स्क्रबर्स और इनर्शियल सेपरेटर्स। आई बात समझ में। मशीनरी की आवाज कम करनी है तो मशीनों में क्या लगाने चाहिए, साइलेंसर लगा देने चाहिए, और मशीनें ऐसी बनानी चाहिए जो कम से कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करें, ठीक है। एनटीपीस कौन है, एनटीपीसी क्या है, एक पावर प्रोवाइडिंग कॉर्पोरेशन है इंडिया में, इसको ISO का सर्टिफिकेशन मिला है फॉर एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो ये क्या करती है, नेचुरल एनवायरमेंट को, वाटर, सॉइल, ऑयल, गैस, फ्यूल्स को ऐसे यूज करती है जिससे क्या हो, कम से कम एनर्जी का वेस्टेज हो पहली बात, और सेकंड कम से कम पोल्यूशन हो, क्लियर है। तो वेस्ट जनरेशन कम करती है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस करती है, ग्रीन बेल्ट्स इन्होंने प्रोवाइड करे हैं, एफॉरेस्टेशन बहुत प्रमोट किया है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्या करा है, कम करा है, और इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग करते हैं ताकि पोल्यूशन ना हो। विद दिस चैप्टर इज ओवर।